हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो दिल्ली में बैठक हुई है अभी हाल ही में, ईपीएफओ के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की जो बैठक हुई है। ईपीएफओ का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति, या यूँ कहें कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि जहाँ से होती है, जहाँ से वृद्धि कराई जा सकती है, वहाँ के वरिष्ठ पेंशन के वरिष्ठ अधिकारी, ईपीएफओ पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की बैठक हुई है। उस बैठक में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने अपने जो प्रमुख बातें थी उन बातों को रखा। जो पहले नंबर जैसे कि था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दो फैसले आए थे, जो पहला फैसला था 4/10/2016 और जो दूसरा नंबर का फैसला था 4/11/2022 के डेट में जो फैसले आए थे, उस फैसले के बाद ईपीएफओ के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। आप सब जानते हो कि वो सर्कुलर था 29/12/2022 को सर्कुलर आया था। तो उस सर्कुलर जो आया था, उसी सर्कुलर पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम का पूर्ण रूप से विरोध था। आप लोगों ने देखा भी था कि विरोध करते दिखाई दिए थे, सर्कुलर को जलाया भी था, सर्कुलर को मारने से इनकार किया था, लेकिन ईपीएफओ अपना किसी भी प्रकार का पक्ष को बदलने को तैयार नहीं था। इसी को लेके राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम और ईपीएफओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पेंशन विभाग के, उनके साथ में मीटिंग हुई। तो उन्होंने क्या बोला कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तो की जाए, लेकिन उनको जिन जिन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, उन सभी सुविधाओं में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ऐड किया जाए। जैसे कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो 2014 के बाद वाले हैं, जो रिटायर हुए थे, उनको पेंशन राशि नहीं मुहैया कराई जा रही है। जो विकल्प का चयन नहीं किए थे, उनको पेंशन राशि मुहैया नहीं कराई जा रही है। बहुत लोगों का पीपीओ नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, उनको सुविधाएं नहीं उपलब्ध। इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी, इन बातों पर चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ में जो मुख्यतः उनकी प्रमुख चार सूत्री मांगे थे, उन चार सूत्री मांगों के ऊपर बात कही। जो मुख्य रूप से बिंदु उनका प्रमुख था कि इसी महीने के लास्ट तक में सीबीटी की बैठक हो और उस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन पक्ष को रखा जाए, ताकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उस दायरे में आ जाए, उस क्रिटेरिया में आ जाए, ताकि सभी को उच्च पेंशन का लाभ दिया जा सके। और ऑप्शन फॉर्म को भरने सबमिट करने से संबंधित भी बातें हुई हैं, ताकि जो लोग भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जिनको भी इसमें जो तो बड़ी हुई पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है, जिनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो सबको लाभ की श्रेणी में रखा जाए। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यही था। उसमें से जो सीबीटी की बैठक को लेकर बात कही गई, सीबीटी की बैठक में मुख्यतः ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन संबंधी बैठक होनी चाहिए, जिसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष पे ही जो तो फैसला होना चाहिए, यानी कि पेंशनर्स की समस्याओं को सुना जाना चाहिए, उसी पे विचार होना चाहिए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ के दायरे में लेके आया जाए, ताकि सभी को लाभ मिल सके। जो दूसरा नंबर पे है कि पेंशनर्स को डीए अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। डीए एरियल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से बताया जा रहा है कि डीए और एरियल उनको अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। साथ ही साथ में मेडिकल सुविधा अनिवार्य रूप से उनको मिलना चाहिए, यानी कि उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी या उत्तर प्रदेश के जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जिस प्रकार से मेडिकल सुविधा में जोड़ दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से देश के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उन्हें भी मेडिकल सुविधा जोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो मेडिकल अभाव के बिना जो तो इस दुनिया से विदा हो रहे हैं, पति और पत्नी इन दो लोगों का मेडिकल जो तो सुविधा दो लोगों को मिलनी चाहिए। तो इससे भी पेंशन वृद्धि पर जो यह नया सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर में जो तो इस सर्कुलर को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, या ईपीएफओ जो इस सर्कुलर को प्रस्तुत कर रही है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही तोड़ मरोड़ के ईपीएफओ जो अपने तरीके से एक नया सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर में सुधार होना चाहिए, इस बात को भी कहा गया है। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सबको लाभ के दायरे में लेके आए। तो इस प्रकार की जब बातें हुई, तो वहाँ पे जो ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी थे, यानी कि ईपीएफओ पेंशन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ में जब बातचीत होने लगी, तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि जो भी गलतियाँ अगर हुई हैं, सभी पे सुधार किया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारक को लाभ के दायरे में लेके आया जाएगा। इसी पे विचार चल रहा है, इसी पे काम हो रहा है और जल्द ही समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभ के दायरे में आएंगे, लाभ के पूरा लाभ उनको मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनको लाभ के दायरे में लेके आए। आपका विशेष रूप से धन्यवाद। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन को पेंशन से संबंधित जानकारी, न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को बड़ा बना सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारे और आपके परिवार का हिस्सा है यह चैनल आपको हमेशा सही 100% खबर दिखाता है। इस चैनल पर
पे किसी भी प्रकार का कोई भी गलत तरीके से आप जानकारी नहीं पाएंगे, हमेशा आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल इस चैनल से आप जुड़ जाएं, और जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के माध्यम से खबर दिखाई जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए पहुँचाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ काफ़ी लोगों तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। फिर दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।